भाई साहब कुल मिलाकर आ चुके एक कोर गेम प्ले के साथ वापस। और भाई आज तक आप लोगों ने मेरे HDR के अंदर गेम प्ले देखे होंगे और वो भी खतरनाक तरीके से। सोचो मैं जब 90 FPS में खेलूंगा स्मूथ में तो क्या ही आतंक मचेगा। अब भाई लिटरली मैं यहाँ पे स्मूथ और 90 FPS में खेलने वाला हूँ और भाई साहब जो आज का गेम प्ले ना भाई, अगर आपने ये पूरा देख लिया ना भाई, सच बता रहा हूँ आपको खतरनाक वाला मजा आने वाला है। क्योंकि भाई पूरा पोचिंग की आपका भाई अकेला अकेले करने वाला है। सोचो कितने किल करने वाला हूँ, ड्रॉप पे कितने बंदे आते हैं अंदाजा लगाओ खाली आप। भाई मैं आपको नहीं बताऊंगा आज मैं कितने किल करूंगा, आप खुद बताना। तो देखो सबसे पहले हम उतरते हैं पोचिंग के अंदर और पोचिंग में भाई जो ही भीड़ आती है खतरनाक। क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद आज बौखला रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा बंदे आते हैं देखना। सबसे पहले मैं उतरता हूँ, तो सबसे पहले गन लेते हैं। बहुत हो तो तुम पड़ जाते भाई, M4 लेने दे। अबे नमूने M4 उठा ली चमन। अब देखो पहले अपन इस गोंचू से M4 लेते हैं। तभी भाई मुझे साउंड आता है सामने की तरफ बंदा है, लेकिन यहाँ पे मुझे वेस्ट हेलमेट भी नहीं मिलता। अब देखो ये गोंचू सोच रहा था भाई आके भाई सीधा निपटा देगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अब इसको तो अपन यहाँ पे निपटा देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कंप्लीट करके इस वाले कंपाउंड में बस एक पता नहीं क्यों यही बंदा आता है। और मैं टीममेट को बोल देता हूँ भाई यहाँ पे एक ही बंदा आया था, फटाफट से चल और सीधा करते हैं रश। जैसे ही भाई तुरंत कूदता हूँ और सामने की साइड कर देता हूँ रश, क्योंकि भाई उधर हो रही थी खतरनाक वाली फाइट। अब जैसे ही इधर आता हूँ ये बंदा मेरे आंखों के सामने ऊपर गया। अब देखना भाई इसको कैसे मारते हैं अपन। जो सामने बंदा भाई हीलिंग कर रहे हैं भाई बैठ के, इसको सीधा नॉक किया और यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको थोड़ा बहुत लूटने के बाद इस सामने वाले घर में आते हैं, इसमें होता है एक बंदा। अब देखो इसको कैसे मारते हैं। तुम्हें भागे जाना। अरे नूब है जल्दी आओ भाई, ये नूब होता है मुझे इतना पता नहीं था भाई। खैर कोई नहीं, इसको भी मार देते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने 3 किल हो गए। और भाई गन साउंड सुनो आप एक बार, टन बज गए इसकी, मार मार के नॉक क्यों नहीं हुआ भाई। चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक गन साउंड आते हैं। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करता हूँ और मैं चल जाता हूँ भाई सीधा रश करने। अब देखो सामने की तरफ से मुझे साउंड आता है। अब ये नेट देखना भाई, बिल्कुल प्रॉपर एकदम नेट करता हूँ। अब वो खुद देखना कैसे, अभी देखो वो विंडो बंद हुआ, मुझे समझ में आ गया बंदा उधर है। अब नेट फटता भी एग्जैक्ट बट भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है वो बंदा किधर है, इसीलिए मैं सीधा जाके टिंग 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 भाई टिंगडिंग की आवाज़ आ जाती है ना भाई, खतरनाक वाला फील आता है। इसको नॉक किया और सीधा जाके पहले करूँगा इसको फिनिश। चलो भाई यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। अब देखो जैसे इधर से आगे जाऊंगा भाई इतनी खतरनाक वाली फाइट होगी। लेकिन भाई उस फाइट होने से पहले, वो फाइट होने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके अब भी बताओ भाई मैं पोचिंग के अंदर आज कितने किल करने वाला हूँ। और हाँ जब आप पूरे देख लो कि मैं कितने किल करूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी पोचिंग की में कितने किल किए होंगे। तभी देखो मैं आता हूँ इधर की साइड, मुझे इधर लगता है कि सामने की साइड में बंदे हैं। अब देखो सीधा चलते हैं अपन सामने की तरफ। अब जैसे इधर आता हूँ इधर भाई खतरनाक फाइट होती है। और एक बार ये फाइट देखो आप, भाई साहब लिटरली ये दो किल चुराया है ना भाई, बंदों की जल गई होगी। अब देखो ऊपर दो बंदे होते हैं, देखना इनको कैसे मारता हूँ। तो बालकनी में भी कोई, एक बालकनी में सर। अब भाई इसका जो सेकंड वाला बंदा था जो बालकोनी में था, मेरा टीममेट जोर से चिल्लाता है, मैंने कहा भाई पता नहीं कितना ज़्यादा प्रो होगा, बट पता नहीं। खैर गोचू उसको तो ले लिया अपन ने। अब देखो मैं बोलता हूँ चमन जल्दी आ, अपन को और किल चाहिए, इतने से काफ़ी नहीं है। तभी भाई मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होता है कि मुझे कोई कैम कर रहा है। अब मैं जैसे इधर देखता हूँ इधर उधर, तभी भाई अबे यार भाई हमको मारने की प्लानिंग करो तो कम से कम ढंग से तो करो, ये क्या गोचू वाली हरकतें कर दी। खैर यहाँ पे 8 किल होते ही भाई मैं चल जाता हूँ बिल्कुल आगे की तरफ, क्योंकि भाई अपने को बर्दाश्त नहीं होता, अपने को चाहिए और किल, काफ़ी नहीं है और चाहिए। अब जैसे इधर देखो आगे की तरफ चलते हैं अपन। अब उधर से मैं इधर आता हूँ, इधर चर्च की साइड में भाई खतरनाक वाली फाइट होती है, पता नहीं क्यों गन साउंड आते हैं। तो मैं सीधा इधर आता हूँ
और देखो इधर ये चमन दिखता है, इसको नॉक किया। और भाई पीछे से बहुत ही ज्यादा वाला गंदा फायर आता है, इसका एक को नॉक और इंस्टेंट फिनिश। अब देखो सामने वाली डबल स्टोरी पे एक बंदा होता है जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और एक जो लेफ्ट साइड में ट्रिपल स्टोरी है उस पर भी एक बंदा होता है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि पहले किसको लूँ, तभी भाई साहब ये चमन भाई साहब एक और आते हैं, इनको निपटाते हैं। अब देखो मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज था कि इधर जाऊँ या उधर, तभी मेरा टीम मेट भाई एक बहुत ही अच्छा काम करता है कि डबल स्टोरी वाले बंदे को कर देता है नॉक। और वो ये देखो डेंजर अहेड, मैं टीममेट को बोलता हूँ भाई इधर है संभाल इसको, तभी भाई मेरा टीममेट बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसको कर देता है नॉक। और भाई मैं हो जाता हूँ पूरा कॉन्फिडेंस और सीधा करता हूँ रश। लेकिन रश करने से पहले मैं सोचता हूँ क्यों ना एक स्मोक कर लिया जाए रास्ते में, ताकि अगर मान लो अगर वो अपने वो फायर भी करे तो अपने पास एक एडवांटेज तो होगा बचने का, तभी स्मोक करके सीधा कर देते हैं अपन भी रश। क्या पता उसके और भी टीममेट हो। और भाई इसको भी नॉक कर देते हैं। अब देखो ऊपर बचा एक लास्ट एंड फाइनल बंदा, आई थिंक सो मेरे हिसाब से एक बंदा बचा है, बाकी देखो ऊपर। इसको फिनिश किया और सीधा रश। तो चलो बेटा तुम भी फ्री फायर में आओ। और भाई यहाँ पे अपने हो जाते हैं फाइनली 14 किल। अब आप बोलोगे भाई 14 किल, अबे रुक जाओ भाई, सबर रखो भाई सबर, अभी तो आतंक देखना बाकी है मेरे भाई। लेकिन भाई उससे पहले अभी तक अगर वीडियो पे लाइक नहीं किया तो प्यार से एक एक लाइक कर दो बहुत ही प्यार से, और जो चैनल पे नहीं हो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ भाई तुम्हारे लिए, क्या मांगता हूँ सिर्फ एक लाइक, तो एक यार एक लाइक कर ही देना। और चैनल पे जो न्यू फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलते सीधा यहाँ से आगे की साइड में, ताकि अपन और भी किल कर सके इस पोचंगे के अंदर। कुछ दिख रहा ही नहीं है मेरे को तो। अब देखो जैसे इधर आता हूँ तभी इधर से साउंड आता है कि इस वाले घर पे होता है एक बंदा। अब देखना भाई कितना चालाक होता है बंदा। मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ से एक बोट आता है, तो सबसे पहले इस बोट को मार लेते हैं। अब भाई इसको यहाँ फिनिश करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे क्या होता है दो तीन स्कोर होती है। अब देखो ये मेरा टीममेट जलता हुआ आता है, क्योंकि भाई किसी थर्ड पार्टी ने उस बंदे पे मोली किया है जिस जो इस घर के ऊपर है, वो तो जलता नहीं, मेरा टीममेट जल जाता है। तभी एक और मोली फेंकता है कोई और भाई ये जलता हुआ नीचे आता है। भाई इतनी भी क्या जलन, और भाई सब ये देखो देखो कहते हैं ना भाई इतनी खुशी हुई थी कि भाई हमने घुस के पेल दिया, लेकिन भाई हमारे टीममेट ने हमको पेल दिया। भाई क्या ही कहने भाई, बहुत ही बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे टीममेट के लिए भी एक लाइक हो जाए, जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अब देखो यहाँ पे मैं रिवाइव होता हूँ, अभी तक किसी भी टीममेट सॉरी किसी भी एनिमी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे नॉक कर सके, बट यहाँ पे मेरे टीममेट ने पूरी कर दी। अब ये यहाँ पे अपने पूरे 17 किल हो जाते हैं इसी के साथ में। अब देखो यहाँ पे अपने पूरे 17 किल हुए, तभी मैं यहाँ पे थोड़ा लूट वूट कर रहा था, और लूट कंप्लीट करते ही जैसे इधर आता हूँ तभी टीममेट नॉक। अब भाई देखो मुझे साउंड आया, बच गया। अब साउंड के हिसाब से मैंने एक फ्री फायर लिया, बट बंदा बच गया, थोड़ा सा डैमेज हुआ। अब मैं सोचता हूँ पहले अपने टीममेट को बचा लिया जाए। अब जैसे मैं अपने यहाँ टीममेट को बचा लेता हूँ, तभी सामने से दो बंदे रश करते हैं, एक वो जिसको कि मैं यहाँ पे नॉक कर दिया, और एक बंदा ये वॉल पे आ जाता है। अब ये आके यहाँ पे टीपी भी लेता है, तभी मैं सोचता हूँ इस पर एक मोली करता हूँ, और ये मोली हो जाती है थोड़ी सी दूर, और ये बंदा जैसे ही नेड़ की पिन खींचता है तभी भाई रश कर देता हूँ। अब भाई फाइनली इसको बंदर की तरह उछल उछल के नॉक कर दिया, और साथ में फिनिश भी कर दिया। भाई थर्ड पार्टी इतनी प्यार से करने आया था भाई, कोई नहीं, खैर इसको यहाँ पे अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सजा दे दी है। अब देखो यहाँ पे अपने 18 किलो जाते हैं, और जो सामने बंदा अभी अभी भक्के गया था वो ये है, और इसकी फाइट होती है। और भाई यहाँ पे अपन सामने वाले का किल चुरा लेते हैं, जो कि बहुत ही गंदा कैम करके बैठा है वहाँ पे। अब मुझे पता लग रहा है, मुझे पता लग चुका है कि वहाँ पे एक बंदा कैम कर रहा है, और मेरे को पता है कि लेफ्ट साइड में भी बंदे हैं, तभी मुझे एक बंदा दिखता है जिसको कि मैं नॉक कर देता हूँ। अब इसका किल तो खैर मैं नहीं ले पाता हूँ। अब देखो वहां पे एक और बंदा होता है, पत्थर पे से मार रहा है वो थोड़ी सा, लेकिन उससे पहले भाई ये रिच वाला मुझे परेशान बहुत ज्यादा करता है। अब जैसे पीछे से फायर आता है मुझे याद होता है भाई वहां पे मेरा एक किल पड़ा हुआ है, आई मीन नॉक किया हुआ है,
तो मेरा किल वहां पे बाकी है, कहीं वो चोरी ना हो जाए। अब मैं इसी उम्मीद में वहां पे देखता रहता हूँ, तभी मैं सोचता हूँ यार किल चोरी हो उससे पहले अपन रश कर लेते हैं। लेकिन भाई कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अपना किल भाई सिक्योरली यहाँ पे आ जाता है। अब देखो जैसे मेरा उधर से किल आ जाता है तो मैं इधर की साइड आता हूँ। अब जो इस बिल्डिंग के अंदर जो बंदा कैम कर रहा था, आपको याद हो जिसका मैंने किल चुराया था, अब मुझे उस बंदे को मारना है। लेकिन भाई वो बंदा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब देखो उसको कैसे मारता हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाता हूँ। अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई चमन इधर आ, इसको मारने का तरीका ढूंढते हैं। अपने टीममेट को बुलाया। अब जब तक टीममेट आता है तब तक मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई अंदर घुस जा और प्री फायर देके रश कर दे। और ये चलो भाई हेड के साथ भाई देखा, इसको बोलते हैं भाई देखो अगर आपके पास टीम, अगर आपके पास टीममेट है तो भाई आप क्या कर सकते हो, भेंट आई मीन क्या बोलते हैं उसको, जो बलि का बकरा, आप बलि का बकरा बना सकते हो, उसको आगे भेजो और आप खुद किल खा जाओ। तो ऐसे करके मैं कई बार करता हूँ। देखो ये ट्रिक हर बार भी काम नहीं आती है, इसमें आप दोनों भी निपट सकते हो, तो सोच समझ के करना। अब देखो यहाँ पे अपने 21 किल हो जाते हैं, तभी ये भाई साहब आते हैं तो अपने ये अपने 22 किल कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच चमन। तो चमन देखो मैं खैर बोट को ही बोलता हूँ और टीममेट भी बोट ही है तो ये भी चमन ही है। अब देखो यहाँ पे अपने 22 किल हो जाते हैं। अब देखो कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। मुझे पता था पीछे वाले घर में एक बंदा बाकी है, मैं मार्क करके टीममेट को बताता हूँ। तभी भाई देखो जैसे ही मार्क किया मैं बोलता हूँ भाई तू रश कर मैं तेरे पीछे आता हूँ। अब देखो स्कोड हाउस में भी बंदे होते हैं लेकिन मैं उसको इग्नोर करके सबसे पहले इस पे रश करता हूँ। अब देखो जैसे कूदता हूँ इधर से तभी बंदा दिख जाता है भाई मेरे को, और जैसे इसको स्प्रे में लेता हूँ भाई ये बंदा मेरे पे, ये कौन मार रहा है, एक अब सबसे मार रहा पहले है। इसको निपटाता हूँ एक बार। चलो बेटा अब इसको भी नॉक कर देता हूँ। अब देखो वो पीछे जो नॉक किया था वो मुझे पता है सिंगल है, तो सिंगल मीन्स तो नहीं है मेरे को, वैसे सोलो है तो वो मर ही जाएगा, सिंगल की कोई कहानी नहीं होती, सिंगल को तो मरना ही है, अब सिंगल ही मरेगा वो। अब देखो उसका किल का कोई टेंशन नहीं है, बट इसको मारना है, क्या पता मे हेल्थ बी नहीं है इसका सर मेरे को। टीममेट भी यहाँ पे हो, तो किसका किल सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सीधा इस पे करते हैं रश। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर तक मैं देख लिया भाई, मुझे नॉक वाला बंदा दिखता ही नहीं है जिसको कि मैंने नॉक किया था, बट नो टेंशन, ओके अपन यहाँ पे हील कर लेते हैं। मुझे पता है उसको बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे वैसे वैसे अपने किल भी आ जाता है। अब वो पता नहीं वो आया था या ये वाला आया था, बट किल आ जाता कोई है। नहीं है अभी मेरे एक किल को, और आना बाकी है, वो भी आ जाता है। तो गाइज अपने भाई यहाँ पे टोटल मिला के 24 किल होते हैं। अब देखो गाइज यहाँ कौन पे है जिसको फाइनली हमने 24 नॉक किल होते हैं, किया। इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 24 किल देखने में भाई अगर आपको मजा आया हो ना तो प्लीज यार लाइक कर दो, फिर से बोल रहा हूँ यार। और जो चैनल पे नहीं हो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर लो, मैं देखता हूँ यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज यार कर लो यार, और लाइक भी यहाँ से कर लेना। अब देखो यहाँ पे अपने 24 किल हो जाते हैं, घर वाला फाइनली किल मिल गया क्या आपको? पूछेंगे के अंदर अपन ने झंडा गाड़ ही दिया। अब देखो यहाँ से लूट उट करके अपनी जो भी जरूरत की चीजें होती हैं सब लूट करके सीधा चलते हैं जोन की तरफ में। अब जैसे गाड़ी लेके इधर की साइड आता हूँ क्योंकि जोन पूरा देख इधर रहा हूँ बनता है, दोनों खत्म, तभी इस वॉच उसको टावर में रोकूंगा रुकता हूँ। उधर। और सामने मुझे पता था बंदे हैं क्योंकि वहां पे मुझे बग्गी पहले ही दिख गई थी। अब जैसे यहाँ पे आके रुकता हूँ लोकेशन मार्क, लोकेशन मार्क। तभी देखो ये कहाँ रुकी बग्गी? ये भाई साहब बग्गी लेके यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, तभी तुम्हारा भाई इसको कर देता है नॉक। चलो और भाई टीममेट को बोलता है चल भाई जल्दी बैठ चमन, इसको लेके सीधा करता हूँ रश। और भाई वहां पे जो होने वाला है ना उसको बहुत ही ज्यादा। अब देखो मेरे हिसाब से एक बंदा इसका पीछे था और मैं सीधा आके यहाँ पे रश कर देता हूँ। और भाई ये काम फिनिश। अब यहाँ पे गाइस क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, बस मुझे ये पता है कि मेरे को यहाँ पे स्कोप नहीं खोलना चाहिए था, मेरी गलती थी। अब ये भाई हमको यहाँ पे चिढ़ाते हैं, बट कोई नहीं, देखो इन्होंने 7 किल किए भाई, बहुत ही बेहतरीन। अब खैर गाइस देखो यहाँ पे जितना भी जैसा भी किया स्मूथ में, अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो 90 FPS में, जैसे भी मेरे रिफ्लेक्सेस थे, जैसा भी गेम प्ले था, जितने भी किल किए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना दिल से, और एक चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो भी शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बोलो भारत माता की जय।